नगर निगम हिसार के मेयर चुनाव का नतीजा चौंकाने वाला रहा। सभी राजनीतिक, जातिगत, व्यक्तिगत आंकलन फेल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के गौतम सरदाना ने एक तरफा जीत हासिल की। गौतम सरदाना को 68,196 वोट मिले, जो उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी रेखा एरन से 28,091 वोट अधिक रहे। रेखा एरन को 40,105 वोट मिले। तीसरे नंबर पर रेखा सैनी रही, जिन्हें 10,153 वोट मिले। चौथे नंबर पर अरविंद खरीटा, पांचवें नंबर पर महावीर सैनी, छठे नंबर पर इनेलो के अमित सैनी एडवोकेट और सातवें नंबर पर कृष्ण एरन रहे। गौतम सरदाना ने अपनी जीत के बाद हिसार की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह प्राथमिकता के आधार पर हिसार शहर की समस्याओं का निपटारा करवाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी भाजपा जीत दर्ज करेगी। जो मुझे उम्मीद थी वही का वही फैसला सामने आया और हिसार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखते हुए मुझे मेयर पद पर चुना। मैं हिसार शहर का, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का आपको मैंने कई बार कह दिया, प्लीज खड़े मत रहिए, अच्छा नहीं लगेगा। एडी साहब आपको दो डांस लगा के बैठे हैं आप। धार्मिक, व्यापारिक सभी संगठनों ने जो बढ़ चढ़ कर चुनाव में भाग लिया, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो उन्होंने हमारे पर विश्वास दिखाया, ऐसा ही विश्वास कायम रखते हुए हिसार की जनता की पूरी उम्र सेवा करूंगा। कुल कितने वोट आपको मिले और आपके प्रतिद्वंदी को कितने वोट हासिल हुए? कुल वाला तो रिजल्ट मैंने देखा नहीं, 27,938 वोटों से, 27,968 वोटों से मैं विजयी हूँ। इस जीत का जो फायदा है क्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा? निश्चित रूप से लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी 10-10 जीतेगी और हरियाणा में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। जिंदल परिवार, ऐसे में ये जो जीत सामने आई उसके बाद इसके मायने क्या निकाले जाए? बड़े घरानों की राजनीति हिसार की जनता नकार चुकी है और बड़े घराने जो पहले राजनीति में बड़े बड़े घराने दिखाया करते हैं, अब हिसार की जनता ने तय कर लिया था कि हमारे बीच का यह आदमी हम चुनेंगे। हमारे बीच का आदमी गौतम सरदाना है, हम उसे ही चुनेंगे। मन जनता बना चुकी थी और जनता ने वैसा ही किया। 27,938 वोटों की ये जीत क्या कहती है? ये आप खुद समझदार हैं कि पूर्ण जो एक तो होता है, अगर भाई बहुमत है तो पूर्ण बहुमत ही कहते हैं, 50% से ऊपर वोट देने का वो जनता ने काम किया है। सारी पार्टियां एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ। इतनी शानदार जीत का असर क्या भविष्य की राजनीति पर भी रहेगा? बिल्कुल रहेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से लोकसभा की 10 सीटें और विधानसभा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। पहला काम जो पहले हमारी संघर्ष समिति के माध्यम से मिले थे, इसी से पूरी कैमरे लगाने का, पशुओं का व्यवस्था करने का और जो जाम की समस्या से निपटने का, और ऐसा हमने परिकल्प पत्र जो जनता को दिया है, हमारा संकल्प है उस पत्र को पूरा का पूरा लागू करके दिखाएंगे और मांगे सब पूरी करवा के